अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजू का जहां। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। तो आज है डे 13 ऑफ 100 डेज 100 वीडियोस, और हमारा जो वन वीक के लिए लंच बॉक्स की रेसिपीज थी उसका आज लास्ट डे है। तो आज हम लोग बना रहे हैं रवा उत्तपम, मतलब एक ही बैटर से मैं दो चीज़ें बना रही हूँ, अप्पे भी बना रही हूँ। तो चलो बैटर रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है रवा, दही, पानी एंड नमक। तो ये सब ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग सोडा भी ऐड कर सकते हो, उससे अच्छा बनता है फुला फुला, बट अयान को उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, उसको थोड़ा अलग टेस्ट लगता है, तो इसलिए वो नहीं खाता है, तो मैंने नहीं डाला है। तो इसे निकाल लेंगे। थोड़ा ही पतला दिख रहा है, बट वो रवा थोड़ी देर में मैं रखने वाली हूँ ना, तो वो फूल जाएगा, इसलिए थोड़ा यही कंसिस्टेंसी का रहेगा तो अच्छा रहता है। तो ये निकाल लिया है मैंने, एंड इसमें आप वेजिटेबल्स डालेंगे जो जो अवेलेबल है, जो जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने गाजर और पत्ता गोभी लिया है, शिमला मिर्ची भी मैं ऐड कर रही थी, बट आयान वो नहीं खाता है ज़्यादा, तो मैंने वो नहीं ऐड किया है। और मिर्ची भी डालते हैं, बट मैं इन लोग का पहले बना लेती हूँ, देन हम लोग के लिए मैं मिर्ची ऐड करती हूँ। तो ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ईजी रहता है। अगर आपने सब कट करके रखा है वेजिटेबल, तो दो मिनट में बन जाता है। तो अभी हम अप्पे बना रहे हैं, तो अप्पे के लिए मैंने पैन मंगवाया था, तो उसी में थोड़ा सा पहले तेल ऐड करेंगे, देन इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे, ज़्यादा फुल नहीं भरेंगे वरना ये सब बाहर आने लगता है। तो इसे ढक करके रख देंगे। तो आज लास्ट डे है वीडियोस का, तो मैं अब नेक्स्ट सोच रही हूँ स्वीट्स का स्टार्ट करूँ, लाइक मैं 7 डेज के लिए सब मिठाई से रिलेटेड या डेजर्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ डालूँ। तो मैंने जैसे 2-3 चीज़ें सोच के रखी है, तो वो सब मैं अपलोड करने का ट्राई करूँगी। तो अगर आपको कुछ फेवरेट चीज़ है जो मिठाई में, जो मतलब चाहते हो मैं बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखते हैं कौन सा चीज़ें बनती है। अगर आपका कुछ है जो आप चाहते हो इजी तरीके से बन जाए, तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं वो ट्राई करूँगी। तो अप्पे बन चुका है, उसे हम निकाल लेंगे। तो अप्पे को मीडियम फ्लेम से भी एकदम लो पे रखना है, वरना वो थोड़ा सा जलने लगता है। ये जला हुआ नहीं था मेरा, ये थोड़ा सा मैंने साइड से जो है हाई फ्लेम में रख दिया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम उत्तपम बना लेंगे। तो इसमें इसको मैंने फ्राई पैन पे ऐड बनाया है, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे एंड बैटर डालेंगे एंड थोड़ी देर के लिए रहने देंगे उसे। इसे ढक करके भी बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा, मैं साइड में दूसरा चीज़ भी बना रही थी तो मैंने उसे ढका नहीं है। तो इसे उलट पलट कर आपको पता चल जाएगा कि पक चुका है, बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। तो ये हमारा रेडी है। तो देखिए मैं मिर्ची ऐड करती हूँ, जब इन लोग का बन जाता है आयान दानिया का, देन मैं मिर्ची ऐड करके हमारा बनाती हूँ। तो ये हमारा जो था रेडी हो चुका है, एंड अभी दानिया खा के बताएगी हमेशा का है जैसा, उसको बहुत ही अच्छा लगा था, एंड आयान के अब्बा जी और आयान दोनों को अच्छा लगा था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ये 7 डेज लंच बॉक्स की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।